अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज है 13 फरवरी, मंगल का दिन। ये हफ्ता शुरू हुआ और इसके अंदर हमें जो अपडेट्स आती रही कि जो आर्मी ने बैक किए थे कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल ग्रुप्स इस इलेक्शन में जो गुजरा है, उनमें से जैसे फॉर एग्जांपल परवेज खटक, फॉर्मर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लीडर थे, डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके। इस तरीके से जहांगीर तरीन और उनकी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन ने तो क्वाइट विजिबली आके सियासत से को खुदा हाफिज कर दिया है, लेकिन परवेज खटक साहब कह रहे हैं कि वो ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये दो जमातों के लीडर्स ने जब थोड़ा डिस्टेंस अभी लिया है, इसी तरीके से सिराजुल हक जमात इस्लामी के जो लीडर थे, अमीर थे बड़े अरसे से, उन्होंने भी कहा है कि जी मैंने जो मेरा मिशन था, मकसद था इलेक्शन में सक्सेस जमात इस्लामी के लिए, उसको मैं पूरा नहीं कर सका, इसलिए मैं भी सियासत को अलविदा कह रहा हूं। इसका क्या मतलब है, किधर ये सिचुएशन खड़ी है पाकिस्तान में, बैन अल-अक़वामी सतह पे किधर ये सिचुएशन खड़ी है, हम आई एम जॉइंड बाय अहमद फारूकी। ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत अरसे से अमरीका के अंदर हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बड़ी किताबें भी लिखी हुई हैं। तो अहमद, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो सर। आप बाहर से बैठ के ऑब्जर्व बड़ा क्लोजली कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको जो फिलहाल हो रहा है पाकिस्तान में? अहमद शुक्रिया सवाल पूछने का और मुझे यहाँ बुलाने का। तो बस मैं क्या बताऊँ, दर्द की कैफियत है। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद इस दफ़ा कुछ फ़र्क नतीजे आएंगे। ये तो सबको ही पता है कि फ़ौज वहाँ 1958 से अपनी प्रेजेंस बहुत विजिबल रख रही है, या तो एक्सप्लिसिटली रूल करती है या इम्प्लिसिटली रूल करती है, मुशर्रफ के बाद से इम्प्लिसिटली रूल कर रही है। ये तो सबको इल्म है और उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस दफ़ा इंतखाबात, पहले तो बहुत देर तक उन्होंने डिले किए, फिर ऐसा वक्त आया कि वो डिले नहीं कर पाए और उन्होंने सोचा कि चलिए हमने उसको, इमरान खान को जो सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन है, उसको तो बंद कर दिया है, उसके पार्टी के जो टॉप रहनुमा हैं उन्होंने या क्विट कर दिया है या उन्हें भी जेल में डाल दिया है, और इमरान खान के ख़िलाफ़ हमारे पास इतने चार्जेस हैं कि वो तो इस ज़िंदगी का नहीं बल्कि अगली 10 जिंदगियों का भी टाइम अगर रहा उसका तो जेल में ही रहेगा। तो वो खासे कॉन्फिडेंट थे और जैसे जाहिर हुआ है, जो अंग्रेज़ी का जुमला है, दे ओवर प्लेड देयर हैंड, वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि कितना लोगों में रिजेंटमेंट है पुरानी जमातों के बारे में, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो या MQM हो, लोग उन लोगों से तंग आ गए हैं। एक नई जनरेशन अब मौजूद है जो वोट देती है और जो सोशल मीडिया में बहुत सेवी है। जो ताज्जुब की चीज़ थी कि इमरान खान जब हुक्मरान था, प्राइम मिनिस्टर था, तो वो इतना पॉपुलर नहीं था जितना वो बना जब निकाला गया। और मैं बाज़ दफ़ा सोचता हूँ कि अगर ये जो सो कॉल इस्टेब्लिशमेंट है, जिसका बेसिकली मतलब फ़ौज है, अगर वो थोड़ी सी जहानत होती उनकी तो उसको अपना टर्म पूरा करने देते। उसका जो 1-1.5 साल रह गया था उसमें उसकी अकॉम्प्लिशमेंट्स और नीचे चली गई होती, कर्जा बढ़ रहा था, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो, उसकी सब प्रोमिसज ब्रोकन प्रोमिसज थी, उसकी पॉपुलैरिटी नीचे आ रही थी। लेकिन इन्होंने जल्दबाजी करी, इम्पेशेंट हो गए, इनका ईगो बहुत लार्ज है, ख़ासतौर से जो टॉप पे होते हैं आर्मी ब्रास के, जैसे जनरल बाजवा और अब जनरल मुनीर, या कोई भी आप पाकिस्तानी आर्मी सरबराह को ले लें, उनका ईगो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी बात अब सुन नहीं रहा है, ये बदतमीज़ हो गया है, इसको हम सही सबक सिखाते हैं, ये तो हमारा ही लड़का था और हम पे अब ऊपर चढ़ के आ रहा है। तो वो समझे कि वो पुराने ट्रिक्स जो वो सब इस्तेमाल कर चुके हैं वो इस पे भी काम आएंगे। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन किया था, वो भूल गए कि ये शख्स जो है पॉलिटिशियन बनने से पहले नेशनल क्रिकेट हीरो और लेजेंड था, ग्लोबल रिकग्निशन था उसका, वो बहुत वक्त उसने बरतानिया में गुजारा था, वो UN में बहुत एक्टिव था, इस्लामोफोबिया का इशू वगैरह लेके उसने टर्की, मलेशिया और तकरीबन तमाम मुस्लिम ममालिक में ही नहीं बल्कि यूरोपियन और अमेरिकन ममालिक में भी अपना सिक्का जमाया था। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप सदर था अमेरिका का और ये आया था तो बड़ी जबरदस्त बॉन्डिंग दोनों में हुई थी। अच्छा, ये सब मैं कह रहा हूँ जानते हुए
इमरान खान की बहुत कमजोरियां थी सियासतदान की, हुक्मरान की, लेकिन आपको रिस्पेक्ट करना होता है पब्लिक ओपिनियन। डेमोक्रेसी में यही बेसिक प्रिंसिपल है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1958 के बाद से ये खलाबाजियां खाते रहे हैं और समझ रहे थे वो इस दफा जीत जाएंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि फौज की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और बड़ी शर्मिंदगी हुई है। और वो भूल गए कि ये ईस्ट पाकिस्तान नहीं है, ईस्ट पाकिस्तान एक दूसरी कल्चर था, दूसरी सियासत थी वहाँ, और वहाँ कोई पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो था बहुत सप्रेस था। ये तो अपना ही मुल्क है, अपनी ही फौज है, और फौज के अंदर भी बहुत डिसेंशन शुरू हो गया है। जितना मैंने सुना है, लोगों से बातें की हैं, टॉप जनरल्स, एयर मार्शल्स वगैरह भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो बड़ी प्रिकेरियस पोजिशन है, बड़ी नाजुक वक्त है मुल्क के लिए कि एक तरफ तो फौज है, दूसरी तरफ इमरान खान है, तीसरी तरफ दूसरे सियासतदान हैं, और ये इनकी जो जद्दोजहद चल रही है एक दूसरे के खिलाफ वो मुल्क को नुकसान ही देगी। इकोनॉमी का तो कबाड़ा हो चुका है, कॉमन मैन जो है उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारनी है, उसको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हुक्मरान इस्लामाबाद में बैठा है या नहीं, लेकिन वो भी अब तंग आ गए हैं। और पहली दफ़ा मैंने ख़ासतौर से अमरीका में उन लोगों से जो पाकिस्तानी फौज के कट्टर सपोर्टर्स थे सालों तक, वो अब फौज को दूसरी निगाह से देख रहे हैं। अब मेरी राइटिंग्स जो थी पाकिस्तान में और अभी भी जो हैं, वो फौज के बारे में बहुत क्रिटिकल थी, और मेरे दोस्त और अकारिब और रिश्तेदार यहाँ और जो पाकिस्तान से आते थे, वो कहते थे कि आप जो है ना बड़ी क्रिटिकल राइटिंग्स लिखते हैं, आप पेट्रियाटिक पाकिस्तानी नहीं हैं, आप समझते नहीं हैं कि फौज पाकिस्तान को बचाए हुए, वो सब ए से जी तक लेके मुझे कह रहे हैं। अब हम समझ आया कि आप कहते थे, आप सही कहते थे, फौज हमारी वो नहीं है जो अपना इमेज देती है। असल में अगर कोई गद्दार है मुल्क में तो वो फौज है, वो सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट प्रिजर्व कर रहे हैं। तो ये झटका जो आया है इस दफा, ये फौज के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक आपने मेंशन की दो तीन चीज़ें, आपने एक तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव दिया, आपने बात की डोनाल्ड ट्रंप की, उनकी जो एक रिलेशनशिप क्लिक हो गई थी इमरान खान साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की, जब वो गए थे अमेरिका मुलाकात करने के लिए। हाल ही में जनरल आसिम मुनीर भी अमेरिका गए थे 2 हफ्ते के लिए, वहाँ पर उनकी मुलाकातें भी हुई सेक्रेटरी ब्लिंकन से, विक्टोरिया न्यूलैंड से और दीगर यानी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्यूनिटी से भी। एक तासुर ये पाया जाता है स्पेशली पाकिस्तान में, और ये साइफर केस को भी लेके, कि डोनाल्ड लू की जो ट्रांसमिशन थी असद मजीद के थ्रू बैक टू पाकिस्तान, और ये इसके ऊपर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब एक कैंगरू कोर्ट के अंदर कन्विक्ट भी हो गए, उनको सजा भी मिल गई कि इन्होंने ये स्टेट सीक्रेट्स रिवील करने की। तो अमेरिका का एक बहुत बड़ा एक किरदार, यानी वाज़े किरदार तो ऑफकोर्स हिस्टोरिकल पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के साथ भी बहुत ही एक गहरा ताल्लुक रहा है। मुशर्रफ बुश का फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली, अयूब खान, पीछे जॉन एफ कैनेडी और लिंडन जॉनसन, और ये सब आप मुझसे बेहतर ये जानते हैं, अमेरिका का क्या किरदार रहा है इसके अंदर? बहुत ही कोई पैची किरदार नहीं है आपके ख्याल से? जब से जो बाइडन साहब आए, उन्होंने तो तस्वुर करने से भी इनकार कर दिया कि जी इमरान खान या पाकिस्तानियों के अंदर यानी ऊपर ये सिचुएशन बनी हुई है, और अब आके यानी बहुत सारी चीजें आ रही हैं सामने, मगर अमेरिका का थोड़ा किरदार और रोल स्पेशली जो अभी हुआ है उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें सर अहमद साहब। बड़ा गंदा किरदार है कहना पड़ेगा मुझे, और अनफॉर्चुनेटली 1953 में ये शुरू हुआ था जब अयूब खान आर्मी चीफ बने थे। तो अयूब खान जो थे उन्होंने आर्मी चीफ की कैपेसिटी में अमेरिका से बहुत अमेरिकन फौज से बड़े गहरे ताल्लुकात कायम कर लिए थे, और वो चलते रहे हैं। और आप ये देखिएगा कि जब भी रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन हुई है तो अमेरिका ने पाकिस्तान के डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया है। ताज्जुब होता है इस वक्त कि डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है और वो भी वही रवैया बरकरार रखे हुए है जो रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन रखती थी, यानी कि पाकिस्तानी फौज को वो सपोर्ट करते हैं। अब जनरल आसिम मुनीर का यहाँ आना जो था वो बहुत वजनी है, उससे पता चल रहा है कि उन्होंने अमेरिका को एश्योर किया कि फौज हमारी तुम्हारे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए तो
तुम दुनिया में जहां भी जंग में हिस्सा लोगे हम मौजूद हैं। यहां तक के यमन में जो हूतीज का सिलसिला चल रहा था उसमें पाकिस्तानी नेवी ने शिप डिस्पैच किया, जो बड़ा ही अजीब था मौका कि मुसलमान मुल्क जो है वो दूसरी साइड पे अपने आप को अलाइन कर रहा है। अच्छा, जब ऑफिशियली वो कह रहे थे जी कि हम सी लेन अरेबियन सी उनकी सिक्योरिटी और यू नो इसको सिक्योर करने के लिए हम कर रहे हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ऑफिशियली इन्होंने ये कहा था। वो वल्ला आलम, वो तो सबको नजर आ रहा है कि उस वक्त अमेरिका को डेस्परेट जरूरत थी कि मुसलमान मुल्क उसके साथ खड़े हो जाएं, और पाकिस्तान और बहरीन और दूसरे मुल्क सरे फहरिस्त थे, अपने खिदमत के लिए हाजिर हैं, हम मालिक, आप जो कहना चाहें हम करेंगे। पाकिस्तान में गुलामी की कैफियत फौज के किरदार से बहुत जाहिर होती है, और मैंने हमेशा पाकिस्तानी फौज को क्रिटिसाइज इसीलिए किया है कि वो मुल्क के अफादात के बजाय दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में कितनी बिजनेसेस और कॉरपोरेशंस फौज की हैं जो किसी मुल्क में नहीं होती। लेकिन जनरल मुनीर के ट्रिप के बाद वापस आए, उस पर थोड़ा सा कमेंट मैं करना चाहूँगा। आपको और सबको जो आपके शो को वॉच करते हैं अच्छी तरह से पता है कि अमेरिका किस तरह से इस वक्त इसराइल को गाजा में सपोर्ट कर रहा है, ना सिर्फ पोलिटिकली बट ऑल्सो मिलिटेरली। तो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर का जाना और अमेरिका के मिलिट्री के लोगों से मिलना बहुत ही गंदा मुझे तो लगा, नहुसत का लगा, और वो उन्होंने एक लम्हे भी गाजा का जिक्र नहीं किया, उन्होंने नहीं कहा कि वहाँ सीज फायर होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान के लोग तो मुझे बता रहे हैं जो मेरे वहाँ कॉन्टेक्ट्स हैं कि मैंने तो पूछा था कि वहाँ पैलेस्टाइन के सपोर्ट में कोई रैलीज हो रही हैं, तो मुझे बताया गया कि नहीं, वो अलाउड नहीं है, कुछ जगहों पे हो रही हैं लेकिन हुकूमत सीरियसली डिस्करेज कर रही है। तो इससे यही नज़र आ रहा है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कामयाबी हो गई है, पाकिस्तानी फौज को उन्होंने तंबीह दी है कि कुछ इस इशू पे तुम कहोगे नहीं। और फाइनली जब साउथ अफ्रीका ने पिटिशन फाइल की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और उनका डिसीशन आया, तो फिर इन्हें थोड़ी सी कुछ हिम्मत हुई और उन्होंने कहा कि हाँ हम सीज फायर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत दबे लफ्जों से कहा। वो अभी भी एक तरह से अमेरिका की बात जो भी होती है वो मान रहे हैं, तो इसीलिए इमरान खान उस मोल्ड में फिट नहीं हो रहा था क्योंकि वो यस मैन नहीं था। और मॉस्को जो वो गया है यूक्रेन वॉर के शुरू होने में, वो अनफॉर्चुनेटली मेरी निगाह में तो वो सिम्बॉलिकली बहुत नेगेटिव चीज़ थी, लेकिन उसने जैसे बताया वो गया था पाकिस्तान के लिए नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने, लेकिन उससे उसका कॉन्डेमनेशन वेस्टर्न वर्ल्ड में खासा हुआ था। और फिर तो आपको पता ही है कि बाद में क्या होना था, उन्होंने जो साइफर जो था वो मुझे एक सिंबल लगता है, वो उसमें कोई ज़्यादा वजन नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है, लेकिन रियलिटी ये है कि अमेरिका बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो थे इमरान खान से कुछ गुफ्तगू इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत गहरे हैं और वो बढ़ा रहे हैं, और उनका गोल ये है कि इंडिया को यूज़ करें चाइना को बैलेंस करने के लिए। पाकिस्तान के चाइना के साथ बहुत क्लोज टाइज हैं, एक बैलेंसिंग एक्ट है, तो इसीलिए अमेरिका जो था और इमरान खान खासतौर से चाइना खासी दफ़ा गया। जाहिर है हर पाकिस्तानी, चाहे वो नवाज शरीफ हो या वो बाजवा हो या आसिम मुनीर हो, बीजिंग का ट्रिप लगाना तो उनकी टॉप प्रायोरिटीज़ में है, तो वो एक बैलेंसिंग एक्ट है। और पाकिस्तान की दूसरी बात यह है कि वो स्ट्रेटिजिकली इतना इम्पोर्टेंट कंट्री नहीं है जितना वो अपने आप को समझता है अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के मुकाबले में। और जाहिर है फिर इसराइल का जब मसला आता है तो पाकिस्तान फिंगर ऑन द लिप कैथोलिक स्कूल्स में जैसे होता था, पाकिस्तान इज नॉट अलाउड टू से एनीथिंग। कहीं भाई तीन ना तीन में ना तेरह में एक यूटिलिटेरियन या एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रही है पाकिस्तान की वेस्ट के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और वो ट्रांजैक्शनल इसीलिए रही है क्योंकि पाकिस्तान में ये इंटरमिटेंट कूज आती रही, मिलिट्री ने कभी अपना स्ट्रैंगल होल्ड नहीं छोड़ा, यानी ना सोसाइटी से ना फॉरेन पॉलिसी से। वो तो चाहते थे कि ये री इंगेजमेंट हो सोवियत्स, अफगानिस्तान, 9/11, तो अभी ईरान के ऊपर भी हमले हुए थे जब अपना ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, अब तो रिलेशनशिप दोबारा थोड़ी बैलेंस हो गई। मगर ये एक तासुर भी है कि जी आर्मी चाहती है कि अमेरिका के साथ दोबारा ये एक ट्रांजैक्शनल
बेनिफिशियल रिलेशनशिप हो कि उसके पास पैसा आए या सर्विसेज के लिए, बट हमने जो देखा इलेक्शंस के बाद, ये पूरा जो एक डिबैकल आप कह लें या हाइस्ट कह लें, बड़े अमेरिकन लेफ्ट लीनिंग कांग्रेसमैन आपके अपने यानी स्टेट से, रो खन्ना जो साहब हैं, उनका ही बड़ा स्टेटमेंट आया, और लोगों ने भी कहा कि जी ये सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी, हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के मेंबर्स ने कि जी हम तो इन्वेस्टिगेशन जाते हैं। तो एक तरफ एक डिस्कनेक्ट नजर नहीं आता आपको कि बाइडन की फॉरेन पॉलिसी और बड़ी एम्बिवलेंट है और बड़ी ही यानी मिलिट्री को कह रही है आपने जो करना है करें, अपने मसले आप संभालें खुद ही, वी डोंट इंटरफियर, बट दूसरी तरफ देयर आर दीज एलिमेंट्स इन द यूएस के जो मसले खड़े कर सकते हैं सिलेक्शंस को लेके अमेरिका में। मेरी निगाह ये है कि जो जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शंस को कहा है कि ये सही नहीं हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा है कि पीटीआई का नेटवर्क अमेरिका में बहुत पावरफुल है और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने पहले 50 साल में यहाँ देखी नहीं है कि एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की फॉलोइंग पाकिस्तानी अमेरिकन्स में, खासतौर से एजुकेटेड और वेल कनेक्टेड और बिजनेस कम्युनिटी में बहुत हाई है। उसके बारे में आप कुछ भी कहें लेकिन ये उसको क्रेडिट देना होगा। और ये शुरू किस तरह हुआ, ये इस तरह से शुरू हुआ कि सिर्फ क्रिकेट के इमेज का नहीं था, उसने जो हॉस्पिटल्स के लिए फंडिंग कैंपेन्स किए, जो फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ थी उसमें, और दो में मैं भी गया था यहाँ बे एरिया में, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में, तो उसमें उसकी जो रीच थी, जो उसका इमेज था, वो बहुत हल्के हल्के बिल्डअप होने लगा और वो बहुत सॉलिड है। और वो लोग जो हैं अपने असेंबली मेंबर्स, कांग्रेस मेंबर्स, सेनेटर्स के साथ बहुत वेल कनेक्टेड हैं क्योंकि यहाँ वो सालों से हैं। तो इसलिए उन लोगों ने कहा, ये जो कुछ कह रहे हैं वो इसलिए नहीं कहा कि उनको खुद कहना था, उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनके अमेरिकन पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने पुश किया उन्हें। तो इससे ये दो चीज़ें जाहिर होती हैं, एक तो ये कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी अब एहसास हो रहा है कि कुछ इतना ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी ने इंटरफियरेंस की है कि वो इमेज ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। और अमेरिका ने तो हमेशा कहा है कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं लेकिन हमेशा झुठलाया भी है। अमेरिका ने जितने डिक्टेटरशिप्स को मुस्लिम वर्ल्ड में खासतौर से और लैटिन अमेरिका में सपोर्ट किया है शायद ही किसी और मुल्क ने किया होगा। और सीसी को इतना सपोर्ट किया है कि वो अब मेक्सिको का प्रेसिडेंट भी उसको समझने लगे हैं। मतलब एक के बाद एक तो बाइडेन की एज है लेकिन एक उसका सबकॉन्शियस है और फिर अल्टीमेटली अमेरिकन मशीन जो है, जैसे नोम चॉम्स्की और दूसरे ऑथर्स ने पॉइंट आउट की है, किसी वजह से बहुत हिपोक्रिटिकल है कि डोमेस्टिकली वो डेमोक्रेसी चाहते हैं लेकिन इंटरनेशनली वो सिर्फ कंप्लायंस चाहते हैं और उनको पता है कंप्लायंस इलेक्टेड रूलर्स के थ्रू कम मिलती है तो इसलिए मिलिट्री जनरल्स को वो सपोर्ट करते हैं। अब इजिप्ट में अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी, बल्कि UCLA का ही वो पढ़ा हुआ था, मोर्सी जो था और वो इलेक्ट हुआ था, उनको खदशा था अमेरिकन्स को कि वो मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो एक ऐसी आइडियोलॉजी है कि वो पूरे मिडल ईस्ट को उलट सकती है और उनको पता था वो बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड होती है। तो वंस अगेन उन्होंने वो फौज को लाए और सीसी को जेल करवाई और फिर सीसी जो है बैठा हुआ है वहाँ जब से, और सीसी कुछ भी नहीं कर रहा है जहाँ तक कि फलस्तीनियों का कत्ले आम हो रहा है गाजा में, उसी के बॉर्डर के साथ हो रहा है। और बहुत जमाने पहले तो गाजा इजिप्ट का पार्ट था, 1967 वॉर से पहले तो वो इजिप्ट का पार्ट था, तो कैंप डेविड अकॉर्ड्स जो थे उसके थ्रू वो अलग हुआ, साइनाई उनको मिल गया, गाजा नहीं मिला। अच्छा, अब पहली दफा सीसी ने भी मजबूर होके ये कहा है कि मैं, अगर तुमने राफा को अटैक किया इसराइल को तो मैं कैंप डेविड अकॉर्ड्स को सस्पेंड कर दूंगा, लेकिन उसके मायने क्या है, वो सिर्फ सिम्बॉलिक है। तो पाकिस्तान की आर्मी अनफॉर्चुनेटली उसी कैटेगरी में है कि जो यहाँ से वॉशिंगटन से इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो उसको खुशी खुशी फॉलो करते हैं। और मुझे कभी समझ नहीं आया कि ये अमेरिका से ऑब्सेशन कब इनका ख़त्म होगा। अब तो हार्डवेयर भी उनका, अमेरिकन हार्डवेयर बहुत कम है,
एक जमाने में 65 वॉर में 71 वॉर में तो पैटन टैंक्स थे, F-104 थे, F-86 सेबर्स थे, बहुत सालों से अमेरिका ने कुछ नहीं भेजा है, लेकिन बस चाइना से ज्यादातर आता है और मगर बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं ना वहां पे अमेरिका और वेस्ट में, बस वो चक्कर है। तो वो एक स्प्लिट लॉयल्टीज हैं कि अमेरिका आर्म्स तो नहीं देता है लेकिन अमेरिका हॉस्पिटैलिटी अपनी देता है, तो प्रॉपर्टीज खरीदते हैं यहाँ, बच्चों को भेजते हैं, रिटायर होके भी आ जाते हैं। लाइफस्टाइल जो अमेरिका का है वो चाइना के लाइफस्टाइल से उनकी निगाह में कहीं बेहतर है, वरना मैं तो ये कहता हूँ कि चाइना क्यों नहीं आप जाते हैं पढ़ने, चाइना के कल्चर में फिट। अच्छा, चाइना का सबको पता है जो यूगर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो मुस्लिम माइनॉरिटी है शिनजियांग में, उसके बारे में पाकिस्तानी हुक्मरान कभी कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि इमरान खान साहब ने भी कुछ नहीं कहा था। एग्जैक्टली, इमरान खान ने भी, मैंने तो बहुत दफा पॉइंट आउट किया था कि आप इस्लामोफोबिया के बहुत अच्छे एडवोकेट हैं लेकिन चाइना के बारे में कोई लफ्ज क्यों नहीं निकलता है, तो बस उस वक्त वो जबान जो है ना टाइड हो जाती थी। तो ये अनफॉर्चुनेटली हिपोक्रेसी इस तमाम में सब नंगे है ना, अब बस, तो वाजे हो गया कि जी उसमें अमेरिका भी सिर्फ अभी आपके सुपर बोल हुआ है उसमें चीफ्स जीते हैं, तो उसके ऊपर भी एक इसराइल ने अपना एक एड चलाया और राफा के अंदर भी चल रहा था, कार्रवाई चल रही थी उसकी। और अमेरिका में अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग अभी भी मौजूद हैं जो पॉलिटिकली अपॉइंटेड हैं या बिजनेस में हैं या सोशली एक्टिव हैं, जो बार बार 7 अक्टूबर का जिक्र करते रहते हैं और उसके बाद जो हुआ उसका कोई तस्करा नहीं होता। अब एक खातून यहाँ जो मेटा, जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उसकी चीफ शायद ऑपरेटिंग ऑफिसर थी, रिटायर हो गई हैं, वो इसराइल में इस वक्त मौजूद हैं, फिल्म बना रही हैं जो अक्टूबर की 7 तारीख को औरतों के साथ हुआ, और वो कह रही हैं कि मेरी जिंदगी का डिफाइनिंग मोमेंट है इस फिल्म को बनाना। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ कि क्या इन लोगों को कुछ इल्म नहीं है कि 7 अक्टूबर के बाद अब तो 4 महीने हो गए हैं कि कितनों को इन्होंने मारा है, कितनों को जख्मी किया है, कितनों को अफसरदा कर दिया है और कितनी इमारतें खत्म हो गई हैं, लेकिन नहीं, वो एक आंख से देखते हैं दूसरी आंख से भुलाते हैं। तो पाकिस्तान उसमें पाकिस्तान के हुक्मरानों को थोड़ी सी, चाहे वो इमरान खान हो या कोई हो, मुझे तो शक है वो बोलेंगे नहीं। हो सकता है इमरान खान, 10% चांस है कि शायद वो बोले, लेकिन अगर कोई मिरेकल होता है और एक रेवोल्यूशन आ जाता है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जो है ना पाउडर कैक एक्सप्लोड होने वाला है, मुझे लोग कह रहे हैं कि आप 3 महीने में देखेंगे तख्ता उलट जाएगा। मैंने कहा किसका तख्ता उलट जाएगा, कहने लगे फौज का। मैंने कहा 76 साल में तो वो उठता नहीं है, अब कैसे हो जाएगा। लेकिन खैर वो क्या विशफुल थिंकिंग तो होती है। तो मैंने कहा अच्छा, अगर फर्ज करें ये हो जाता है तो फिर क्या होगा, तो कहने लगे अगर इमरान खान को मार भी देंगे तो 7 और इमरान खान आ जाएंगे। मैंने कहा उनके नाम क्या है, वो तो पता नहीं है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता वो आ जाएंगे जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो बस लोग मिरेकल्स के लिए पाकिस्तान में जितनी दुआएं करते हैं। अभी मैंने हाल में एक किताब छपी है, प्रोफेसर की है कराची यूनिवर्सिटी में, उसको रिव्यू किया है, फ्राइडे टाइम्स में मैं आजकल लिखता हूँ, छपेगा मुझे उम्मीद है 1-2 दिनों में। तो उसमें उन्होंने कहा है कि हमें यूरोपियन एनलाइटनमेंट जो है, जिसके थ्रू क्रिश्चियनिटी पीछे चली गई और रीजनिंग और रैशनल बिहेवियर आगे आ गया, उसको हमें देखना चाहिए और उसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जब 76 साल में वो नहीं हुआ है तो अब कैसे हो जाएगा। तो उसमें उन्होंने एक जवाब दिया है, उन्होंने कहा जो हमारे नौजवान हैं वो तब्दीली लाएंगे। अब हो सकता है सही हो, लेकिन जो आज के एडल्ट्स हैं वो कल नौजवान ही थे, और वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि वो नौजवान जब एडल्ट्स बनते हैं तो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखने लगते हैं। ये पॉलिटिकल आइडियलिज्म एक हद तक चलती है, असल चीज है रोटी कपड़ा और मकान, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था एक जमाने में, और लोग बहुत एक्साइटेड थे और फिर जाहिर नहीं हुआ। स्लोगनेरिंग बहुत आसान है, नारे लगाना, अब है सोशल मीडिया, बस बस सोशल मीडिया, फोन मिल जाए टिकटॉक के ऊपर, बाहर बंदा रोड पे भी खड़ा है उसके पास एक स्मार्टफोन है और वो एक्सेस कर रहा है सब पूरी दुनिया को उससे। खैर, आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की, आपने भी रेवोल्यूशन की बात भी की, यूर एन इकोनॉमिस्ट बाय ट्रेनिंग, आपकी यानी ऑब्वियसली एडवांस्ड इकोनॉमिक्स के अंदर आपका फोकस रहा है, लेकिन जो अभी फिलहाल सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, एक इट्स लाइक अ प्री रेवोल्यूशनरी स्टेज के लोगों के पास खाने के मसले पड़े हुए हैं,
जॉब्स नहीं है, एक बर्जनिंग यूथफुल पॉपुलेशन है, ऊपर से एक ऐसा सिस्टम डिसफंक्शनल सिस्टम है, तो उसके ऊपर बताएं क्या देख रहे हैं आप मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 6 months, ईयर, 5 years, कि जो भी हुकूमत आती है अब या नहीं आती, तो ये तो चैलेंजेस होंगे आगे। देखिए, इकोनॉमिक फंडामेंटल जब तक सही नहीं होंगे मुल्क के, तो तरक्की नहीं होगी। उस मुल्क में बजट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, इंटरनेशनल बोरोइंग दबादब हो रही है, तो जब तक ये बेसिक फंडामेंटल सही नहीं होंगे। अब देखिए, रुपए की वैल्यू कितनी गिरी, 1971 में एक डॉलर की वैल्यू थी 4.75 रुपीस, और अब कुछ दिनों पहले ही वो 300 हो गई थी, मैंने सुना अब 285 हो गई है। तो जब इतना रुपया आपका गिरा है, तो आपके एक्सपोर्ट्स को बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो इतने नहीं बढ़े हैं जितने आपके इम्पोर्ट्स बढ़ गए। तो कुछ बड़ी अनयूजुअल लॉजिक है पाकिस्तान की, कि जो नॉर्मल बिहेवियर होता है कि आपकी करेंसी गिरती है तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इम्पोर्ट्स। एनर्जी नहीं है ना, एनर्जी नहीं है आपके पास, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेटेड हो गया है, सीवियर क्राइसिस है आपके पास। मैंने एनर्जी का आपने जिक्र किया, तो पाकिस्तान के जो साबिक नेपरा के चीफ थे तौसीफ फारूकी, जो बाय द वे मेरा कोई रिश्ता उनसे नहीं है, स्पेलिंग फारूकी की भी फर्क है, तो तौसीफ साहब से मैंने खासी गुफ्तगू इस पे की, इंटरव्यू भी लिया, छपा भी है, और मैंने उनसे यही पूछा था कि आप ये बताएं कि ये मसाइल कब हल होंगे, कि एनर्जी की शॉर्टेज है, पिछले साल जनवरी में पूरा नेशनल ब्लैकआउट हो गया था, जो शायद ही किसी मुल्क में होता हो कि पूरा नेशन ही ब्लैकआउट हो जाए, तो मिसमैनेजमेंट है और करप्शन है और इनकॉम्पिटेंस है, और ये सिर्फ फौज में नहीं है, फौज की तो सबको ही पता है, ये वहाँ गवर्नमेंट एजेंसीज में ऊपर से नीचे तक भरी हुई है, तो ये कल्चर का इशू है साहब, ये आसान इसका कोई हल नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा कि गोल्डमैन सैक्स ने, जो इंटरनेशनल बैंकिंग और फाइनेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक रिपोर्ट छापी थी, मेरे ख्याल से पिछला साल था या उससे पिछला साल, उसमें उन्होंने कहा था कि बाय 2075 पाकिस्तान विल बी द वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अच्छा, वो जब मैंने हेडलाइन देखी तो मैंने कहा इसमें मुझे देखना है कि किस टाइप के लोग थे जिन्होंने ये लिखी है, तो मैंने उनमें से एक को रीच आउट किया, दोनों को ही किया था, एक ने जवाब दिया, तो पता चला कि उनकी कोई फंडामेंटल नॉलेज पाकिस्तान की नहीं है, उन्होंने सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को देखा और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत स्ट्रांग था, तो उन्होंने उसकी बेसिस पे 6th लार्जेस्ट, तो मैंने कहा वो पर कैपिटा इनकम को आप क्यों नहीं देख रहे हैं, और बल्कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही धमाके का खदशा है, मतलब जब पॉवर्टी बढ़ेगी, क्योंकि आपके वहाँ तो आपको याद होगा यूब खान के दौर में फैमिली प्लानिंग शुरू हुई थी, कम बच्चे खुशहाल गिराना घराना, लेकिन कुछ ही साल पहले एक पाकिस्तान से स्पीकर आए थे एक मस्जिद में, यहाँ सेंटर क्लेरा में उन्होंने खुतबा दिया था, और उन्होंने कहा कि जितने बच्चे ज़्यादा होते हैं उतने ही जबान होती हैं जो कलमा पढ़ती हैं, और उतने ही मुल्क में नूर चमकता है। तो जब आप इस तरह के आइडियोलॉजी को एडवांस करेंगे तो, और गोल्डमैन सैक्स उसको कॉपी करेगी, जो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, तो ये सब यूटोपियन थिंकिंग है। अच्छा, तो मसला ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो जब तक सॉल्व नहीं होंगी, जब तक पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, तो ये इंटरट्वाइंड हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है अल्टीमेटली पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जो उसका पुराना नाम है, अब वो एक स्टेज आई कि पॉलिटिकल इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया और सब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आ गई, और मैं भी उसी कल्चर का पार्ट था, लेकिन मैंने अपनी फील्ड में भी जो एनर्जी है उसमें भी देखा कि अल्टीमेटली पॉलिटिक्स जो है वो डोमिनेट करती है, इकोनॉमिक्स जो है ना वो बैक सीट लेती है। रशिया में जब मेरे ख्याल से ब्रेजनेव का दौर था, तो किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारी इकोनॉमी का इतना बुरा हाल क्यों है, जबकि तुम्हारे पास सैकड़ों इकोनॉमिस्ट हैं, एक से एक ब्रिलियंट। तो उसने कहा, हाँ, मेरे पास 100 इकोनॉमिस्ट हैं और उसमें से 5 अच्छे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं वो 5 कौन से हैं। तो वो रशियन रूले है और रशियन कोलैप्स। पॉलिटिक्स भी तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, अहमद साहब, पैसे पे हो रहा है ना, बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी डिटीरिएट हो गई हैं, जंगें चली हुई हैं दुनिया में, सप्लाई लाइंस बिल्कुल डिस्ट्रप्ट हो गई हैं, इन्फ्लेशन सोर कर रही है वेस्ट में भी, तो पाकिस्तान के अंदर तो, यानी जब इमरान खान गया है तो 200 का था डॉलर,
अब आपने जैसे कहा 280 का 300 तक पहुंच गया वो, या 160 का था उस वक्त, तो खैर बिकॉज द पाई हैज श्रंक और जो स्टेक होल्डर्स है वो अपना हिस्सा कम नहीं करना चाह रहे, तो ये होल्डर तो आर्मी है पॉलिटिकल इकोनॉमी में, तो ये एग्जैक्टली और जो लेकिन आपने इससे पहले जो बात की कि जो बेनिफिशरीज हैं इस करप्ट इकोनॉमिक ऑर्डर के, वो अपने प्रिविलेजेस क्यों छोड़ देंगे? किताबों पे किताबें छप रही हैं, एक इशरत हुसैन साहब ने भी लिखी थी जो बड़े मशहूर हैं पाकिस्तान में, स्टेट बैंक के गवर्नर वगैरह थे, वो भी सब उसमें यही था कि हमें इंस्टीट्यूशंस बनानी है। अच्छा भाई, इंस्टीट्यूशंस बनानी है, 75 साल से सबको पता है कि इंस्टीट्यूशंस बनानी है, तो सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं बनाई? तो कहते हैं नहीं, जो हैं वो करप्ट हैं। तो मैंने कहा वो करप्ट जो हैं वो अपनी खुशी खुशी से खैरात में दे देंगे कि हाँ भाई हम करप्ट थे, हमें फांसी लगाओ, हमें जेल में डालो, ये तो कहीं नहीं होता। तो फिर ये वही सवाल आ जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होना चाहिए, और मैंने लोगों को कहा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की थियोरी को एडवांस कर रहे हैं, मैंने कहा आपने कभी सोचा कि नेपोलियन उसके बाद आया था और नेपोलियन ने जो एम्पायर बनाई है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से बनी है? तो ये कह देना कि हमारे पास रेवोल्यूशन आएगी और फिर बड़ा मतलब ऐसा इंसान आएगा जो वलीउल्लाह होगा और स्कैंडिनेवियन इकोनॉमिक्स को लेके, स्कैंडिनेवियन डेमोक्रेसी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी और इस्लामिक मदीने की वैल्यूज को पेश करेगा, मतलब मैं कहता हूँ कि हमारे लोग जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं, पता नहीं क्या वजह है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद बहुत गलेबल हैं। वो जो मैजिशियन आता है, जैसे भुट्टो साहब आए थे, वो भी एक मैजिशियन से कम नहीं थे, जिया साहब आए थे, मुशर्रफ साहब आए थे, एक से एक शख्सियतें आती हैं, डोमिनेट करती हैं, और इमरान खान आए थे, और मुझे पता है कि बहुत से लोग आपके शो को जो वॉच करते हैं वो उसके डिवोटीज होंगे, एकोलाइट्स होंगे, लेकिन मुझे जो समझ नहीं आता कि रियलिटी को क्यों नहीं देखते हैं। मेरी तो यहाँ अमेरिका में खासे मैं कहूँगा 80% जो मेरे दोस्त हैं वो इमरान खान के बहुत ही कट्टर फॉलोअर्स हैं। तो जब उसका पहला साल पूरा हुआ था, मैंने उसका रिव्यू छापा था कि उसने क्या गोल्स सेट किए थे और क्या अकॉम्प्लिश किया, और वो क्रिटिकल था क्योंकि उसने कोई गोल्स अकॉम्प्लिश नहीं किए थे। तो एक साहब जो डीजे साइंस कॉलेज में साइंस पढ़ाते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पास कहने को पीएचडी है लेकिन आपका जो ब्रेन है वो 5 ईयर ओल्ड का है। तो मैं थोड़ा सकते में पड़ गया, तो मैंने उनसे पूछा कि ये वजह क्या है कहने की, तो कहने लगे जो बच्चा होता है वो फौरन के फौरन चाहता है उसको चीज़ मिल जाए, जब उसको चीज़ नहीं मिलती है वो शोर मचाता है, तो आप उस तरह के हैं। मैंने कहा जब उस आदमी ने वादे किए थे कि ऑन डे वन मैं $200 बिलियन की लूटेड वेल्थ लेके आऊँगा और मैं एक पैसा अरबों से नहीं लूँगा, हमारी प्रोग्रेस इतनी होगी कि अरब हमारे यहाँ आएंगे काम करने, इसके बजाय कि हम वहाँ जाएँ, और IMF खुदा के लिए मैं तो एक दमड़ी वहां लेने नहीं जाऊंगा, अगर लेने जाऊंगा तो खुदकशी कर लूंगा। जब इस टाइप की आप बातें कर रहे हैं और पढ़े लिखे लोग आपके फॉलोअर्स बन गए हैं, तो मुल्क के, मुझे तो लगता है कि कल्चर की प्रॉब्लम है, कुछ सीरियस कल्चरल थेरेपी चाहिए। और बाजवा साहब को भी तारीफें करते थे ना, कहते थे कि बड़े अजीम आदमी है वो जनरल बाजवा। मैंने तो उनके बारे में बहुत लोगों से सुना था, वो बड़े इंटेलेक्चुअल जनरल हैं, बड़ी किताबें पढ़ते हैं, बल्कि उनके एक यहाँ दोस्त मौजूद हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, वो कहने लगे मैं तो उनके साथ था और वो पाकिस्तान के सबसे स्कॉलरली जनरल हैं। माशाल्लाह। तो अच्छा, जनरल जहांगीर करामत, उनसे तो मैं मिला, एक पाकिस्तान की आर्मी चीफ से, वो ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन में आए थे, ईयर 2000 था, रिटायर्ड आर्मी चीफ थे मुशर्रफ, उनके बाद आए थे। बिल्कुल, वो नवाज शरीफ ही ने वो स्विच ओवर किया था और उनको क्या पता था कि वो अपना फंदा खुद लगा रहे हैं। तो खैर वो पाकिस्तान की फंदा तो नहीं लगा, फंदा तो नहीं लगा, सियासी फंदा कह ले, सियासी फंदा कह ले, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह असल फंदा नहीं था। तो उन्होंने मतलब जो करामत साहब ने मुझे जो बात बताई, मैं तो दंग रह गया। मैंने उनसे कहा कि अभी कुछ महीने पहले पाकिस्तान में एक और मार्शल लॉ लगा है, मार्शल लॉ तो नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब उसको सिविलाइज थोड़ा सा कर दिया है, तो आपकी क्या राय है? तो उनका जवाब था
कि जो पाकिस्तानी हुब वतन है और उसको सपोर्ट नहीं करता है तो वो हुब वतन नहीं है। तो मैंने कहा मैं शायद समझा नहीं हूँ, आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये अच्छी बात थी या गलत बात थी? कहने लगे मैं कह रहा हूँ अच्छी बात थी और आप नोट लिख लें। फिर कहने लगे लेकिन एक मसला है। मैंने कहा वो क्या मसला है? कहने लगे जो माइनॉरिटी प्रोविंसेस हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैंने कहा ये माइनॉरिटी प्रोविंसेस कौन से हैं? कहने लगे बलूचिस्तान, फ्रंटियर और सिंध। मैंने कहा वो तो मेजॉरिटी हो गई, चार में से तीन प्रोविंसेस। लेकिन आप सोचें कि इस टाइप की लॉजिक। अच्छा एक कॉन्फ्रेंस अब तो मेजॉरिटी प्रोविंस भी सपोर्ट नहीं कर रहा, मसला तो यहाँ पे आगे खड़ा हो गया। अब तो उनकी वाकई तौर पे अब उनकी जो है ना, मैं कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, अब तो उनको सियासी फंदा लगने वाला है क्योंकि उनके अपने ही मेजॉरिटी प्रोविंस में उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। अच्छा एक साहब यहाँ आए थे जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे, उस वक्त सर्विंग थे, उनसे मैंने, उसमें इंडियन आर्मी ऑफिसर्स भी थे कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तानी और ऑफिसर्स भी थे और किसी वजह से मैं भी था, क्योंकि मैं लिखता लिखाता हूँ तो लोग मुझे बाज दफा गलती से बुला लेते हैं। अब जब मैं पहुंचता हूँ तो मैं सवाल तो पूछता हूँ, वरना मुझे पता क्या मेरा वक्त जाया होगा अगर मैं सवाल नहीं पूछूंगा। तो जब इंडियन ऑफिसर्स चले गए और मैं और वो ब्रिगेडियर और मैं बैठे हुए हैं लंच टेबल पे, मैंने उनसे कहा कि ये बताइए कि इंडिया में एक दफा भी मार्शल लॉ नहीं लगा है, क्या बात है कि हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है मार्शल लॉ लगने की? तो उन्होंने कहा बगैर हेजिटेशन के, कहने लगे हमारे लोग जंगली हैं। अब आप सोचिए कि कौन फखर से अपने मुल्क के लोगों को जंगली कहता है? मतलब वो अंग्रेजों की ज़हनियत जो कॉलोनियल थी कि इंडियंस जंगली हैं, उस जमाने के जो इंडियंस पाकिस्तानी सब जो एक ही थे वो जंगली हैं, इसलिए हमें ब्रिटिश रूल चाहिए, तो वही उन्होंने इनहेरिट कर लिया है माइंडसेट। और ये मुझे लगता नहीं है कि चेंज होगा आसानी से। तो अगर कोई उससे पूछे, खासे लोगों ने पूछा है कि आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आती है या आप सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं अपने मुल्क के बारे में, तो मैं कहता हूं कि मैं इतना टाइम इस मुल्क को एनालाइज करने में क्यों सर्व करता अगर मुझे कुछ होप नहीं होती कि शायद चेंज आएगा। हो सकता है मैंने वक्त जाया किया हो, मैं बहुत कुछ और कर सकता था, लेकिन मैंने फरवरी 8 में के बाद जो हुआ है पूरा सिलसिला, उस दिन भी उसमें आपको कुछ होप नजर आई क्या? अभी जो हुआ है जी, ये 8 फरवरी को हो रहा है, जो हो रहा है 8 फरवरी से लेकर अब तक, अभी वो लास्ट शू हैज नॉट फॉलन, वो अभी कुछ पता, सस्पेंस हवा में लटकी हुई है। उसके साथ उम्मीद भी होती है ना सस्पेंस के साथ। तो आपने सुना होगा कि एन ऑप्टिमिस्ट, अ पेसिमिस्ट इज अ फॉर्मर ऑप्टिमिस्ट हु केप्ट नोट्स, के जो पेसिमिस्ट है वो एक जमाने में उम्मीद रखता था लेकिन उसने नोट्स भी रखे। तो मैं अब इंक्रीजिंगली पेसिमिस्ट हो गया हूँ और लोग मुझसे बात कम से कम करते हैं कि उनको पता है ये क्या कहेंगे। लेकिन फिर भी एक थियोरी है मेरी कि जिसके थ्रू चेंज आ सकता है। मैं बिलीव नहीं करता कि फौज से कोई फाइट कर सकता है। फौज 6 लाख लोग फौज में हैं, 6 लाख रिजर्व में हैं, और उनके कितने रिश्तेदार वगैरह मौजूद हैं जो बेनिफिट कर रहे हैं उनके फौज में होने, मिलियंस हैं। गन्स भी उनके पास हैं लेकिन उनके पास नंबर्स भी हैं, माइनॉरिटी में हैं लेकिन उनकी प्रेजेंस को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। भाई 25 मिलियन लोग हैं ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10% ऑफ पाकिस्तान कनेक्टेड है किसी ना किसी तरीके से अफवाज पाकिस्तान से, आर्म्ड सर्विसेज से, और फिर वो उसमें शायद वो भी होंगे जो सिविलियंस हैं जो फौजी फाउंडेशन में हैं और पता नहीं क्या क्या फैक्ट्रीज में काम करते हैं, फर्टिलाइजर में, हाउस होल्ड के बंदे होंगे, फैमिलीज, ये सब कुछ मिला के, और डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज, मतलब वो तो इतना फैला हुआ है कि जो आयशा सिद्दीका ने किताब लिखी थी मिलिट्री इंक, उसमें तो सब उन्होंने। तो मुझे उम्मीद सिर्फ एक है, ये है कि फौज के अंदर से चेंज आएगा, फौज में कोई एनलाइटेंड आदमी आएगा, आदमी या औरत, जो मुस्तकबिल की निगाह देखेगा और मुल्क का सोचेगा, और वो ये जो करप्ट टॉप ब्रास है उनको घर भेज देगा। उसी तरह आ सकता है, अंदर से फौज के आना है, एक थियरी। दूसरी थियरी जो खासी अनप्लेजेंट है कि एक इंडिया के साथ वॉर होगी और फौज की बुरी तरह की शिकस्त हो जाएगी और मुल्क जो है
फिर एक नया मुल्क क्रिएट होगा उसके बाद बांग्लादेश की तरह, लेकिन आई होप दैट डजंट हैपन। मतलब आपको तो एक या कई और मुल्क। जी जी, तो ये दोनों बड़े डिस्ट्रप्टिव, यानी डिस्ट्रप्टिव एक तरीके से आप कह लें कि एक्चुअली काइंड हिस्ट्री रिपीट भी करती है कि कुछ इंस्टेंसेस के अंदर कि जब भी चेंज आया फौज के अंदर, यानी आया तो फौज के अंदर से ही आया, अय्यूब टू याया अगर आप कह लें, फिर फ्रॉम याया टू यू नो भुट्टो, वो भी एक फौज एक्सटेंशन ही थी एक तरीके से, अगर 1971 जो स्प्लिट हुआ है उसके अंदर फ्रॉम भुट्टो टू जिया, तो ये चेंजेस अंदर से ही आ रहे हैं, इंटरनली आते हैं, वो अंदर से आ रहे हैं। भुट्टो जो था, फौज के बगैर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, फौज की जब शिकस्त हुई तो फौज के अंदर से ही एयरफोर्स का चीफ और आर्मी चीफ गुल हसन और एयर मार्शल रहीम खान, उन्होंने भुट्टो को उठा के कुर्सी पे बिठाया। पहले प्रेसिडेंट था भुट्टो, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी था सिविलियन के बावजूद, और फिर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। लेकिन फिर 77 आया और वो इलेक्शंस में रिगिंग हुई, ओवर प्लेड इज हैंड, और फिर जिया साहब जो बहुत ही सलाम करते थे अदब से और झुक के आते थे वगैरह वगैरह, उन्होंने ही उसको हटा दिया ये कह के ही ऑपरेशन फेयर प्ले है, 90 डेज का ऑपरेशन है जो 11 साल चला, और सिर्फ जब खत्म हुआ जब जहाज क्रैश हो गया। तो मुझे अब मेरा कांटेक्ट रहा नहीं है फौज के लोगों से जो एक जमाने में होता था। मैंने सुना है उन लोगों से यहाँ जो रहते हैं जिनका फौज में और एयरफोर्स में कॉन्टैक्ट है, के मेजर जनरल लेवल के लोग और एयर वाइस मार्शल लेवल के लोग कुछ हैं जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और वो फौज को छोड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि उनको निकाला गया है, क्योंकि फौज में भी तो अगर आप ज्यादा आउटस्पोकन हो तो वो आपको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, तो हो सकता है कि वो हो रहा हो, लेकिन हो सकता है वो सही मानों में खुद वेल पेइंग करियर को छोड़ के और सिविलियन सेक्टर में जा रहे हों। अगर उनमें से कोई ऐसा है जो वेल कनेक्टेड है, या कोई अंदर इस वक्त सर्विंग ऑफिसर है जो कुछ लोगों को जमा करके एक कू कर दे फौज के अंदर की, तो वो फिर चेंज आ सकता है। लेकिन उसके अलावा दूसरा जो मैंने बताया वो इंडिया वाली वॉर का ऑप्शन है, जो बहुत मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही हाईली इम्प्रोबेबल सिनेरियो है, स्पेशली अफवाज पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे वो अपने चीफ के कमांड को लाइफ और डेथ का एक तरीके से समझते हैंगे, और इतना एक सेंट्रलिटी और यू नो इट्स सो कंसोलिडेटेड उनका वो चेन ऑफ कमांड है अफवाज पाकिस्तान का, जिसकी वजह से हम ये प्रॉब्लम देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी ऑडिटिंग इंटरनल जो उनकी है वो इतनी वाजे नहीं है, यानी स्पेशली जो सिविलियंस हैं उनके लिए या सिविलियन स्ट्रक्चर्स हैं, ओवरसाइट है, नहीं है मौजूद, वो बहुत बहुत रिजिड है, बहुत हायरार्किकल है, और लॉयल्टी नंबर वन क्राइटेरिया है प्रमोशन का, तो उसमें किसी को ये करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन 100% इम्पॉसिबल नहीं है। और ये सिर्फ जब होगा जब कोई 12 के करीब जमा हो जाए जो इकट्ठे हों इस ख्यालात के, एक अकेला आदमी तो फौरन उसको मार्जिनलाइज कर देंगे, 2-3 को भी मार्जिनलाइज कर देंगे, उनको बल्कि वो ट्रायल पे ले जाएंगे और शूट भी कर देंगे कोर्ट मार्शल के थ्रू, तो ये रिस्क वही लेगा जो बहुत ही बोल्ड है। तो ये था, ये इनकी एलिगेशन जो 9 मई कंस्पिरेसी और जो केसेस इन्होंने बनाए, और इनफैक्ट 54 ऑफिसर्स थे जो डिसमिस हुए हैं 9 मई के वाकयात को लेके, जिसके अंदर लाहौर कोर कमांडर साहब भी मौजूद थे और लोग भी थे। तो एक जो खबर आ रही थी अमेरिका से भी लूप इन होके आ रही थी कि जी एक इंटरनल कू या साजिश थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ या उनके कमान के खिलाफ कि उनको हटाया जाए, मगर इसकी वजाहत उसके बाद नहीं है क्योंकि कोई कोर्ट मार्शल नहीं हुआ इंटरनली। तो आपकी निगाह में, मैंने भी थोड़ा बहुत सुना था लेकिन मेरे पास तफसीलात नहीं है, तो उन लोगों का फिर बनेगा क्या? उनको बेसिकली कह देंगे कि भाई चुप करके कहीं चले जाओ और अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करो, वरना हम तुम्हें कोर्ट मार्शल करके। तो लेकिन ये लगता है कि थोड़ा सा आंसर उसका अब आ गया है कि अंदर से चेंज आने वाला आंसर, खासतौर से जो कोर कमांडर थे लाहौर में जब उनके साथ वो वाकया हुआ, तो मैंने कहा ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि थ्री स्टार जनरल की लेवल पे, असल में जो इमरान खान को क्रेडिट देना चाहिए वो ये है कि उसने फौज के इनर वर्किंग्स को समझ लिया, क्योंकि वो उनके साथ इतना टाइम स्पेंड करता था
और उसकी पर्सनैलिटी खासे लोगों को अपील करती है, तो उसने कन्वर्ट कर लिया उन्हें। तो वो एक तरह का, मतलब वो क्या लफ्ज़ है मुझे मिल नहीं रहा, वो उसका ऑलमोस्ट मैजिकल इन्फ्लुएंस है लोगों पे, वो हिप्नोटाइज करता है, मैस्मराइजिंग इन्फ्लुएंस है उसका, जो मैं ढूंढ रहा था। तो जब किसी को आप मैस्मराइज कर लें तो वो एक कल्ट बन जाता है, और रिगार्डलेस ऑफ योर अकॉम्प्लिशमेंट्स आपको सराहते रहते हैं। अब उसने जैसे हर मेजर प्रॉमिस को नहीं फुलफिल किया, और मैं उनके सपोर्टर्स को जितना भी पॉइंट आउट इस बात को करूं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो वो डिवोशन की लेवल आ गई है, आप किसी के पीर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो ये किस तरह से हुआ, खासतौर से ऐसे आदमी का जिसका इतना प्लेबॉय वाला पास था, सब वेल नोन है, किस तरह उसकी बीवियां रोटेट हुई, यहाँ तक कि जो थर्ड बीवी आई वो उसके पहले से ही 5 बच्चे थे, और वो एक मैजिशियन भी है, विच भी है, सूफी भी है, पता नहीं क्या क्या नहीं है, और फिर भी उसका सितारा ऊपर जाता गया। क्योंकि मैं सोचता था पढ़े लिखे लोग जो जिनका मैं यहाँ जिनको देखता हूँ जो उसके सपोर्टर्स हैं, वो उसकी थर्ड वाइफ के बारे में उनके कुछ सेंटिमेंट्स होंगे जो लेस देन कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, लेकिन नहीं साहब, क्योंकि वो इमरान खान की वाइफ है तो शी हैज टू बी एन एंजल। और मेरे ख्याल से एक सी चेंज भी आया है ना, क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी ट्रेडिशनली बड़ी मिसोजिनिस भी रही है कि औरत के ऊपर इल्जाम डालो या उसको ऑस्टिसाइज करो, आदमी खराब है तो औरत की वजह से, ये एक मिसोजिनी पाकिस्तानी। ये आपने बिल्कुल सही कहा, और अभी जो उन्होंने उसका जो इद्दत का जो चक्कर चलाया, इतना घटिया था, इतना घटिया था जो आपने रीजन दी, और इसलिए भी कि वो जाहिर हो गया कि आपके पास कुछ और रहा नहीं है। अगर आप ये कार्ड को प्ले कर रहे हैं तो आप खोखले हैं, मतलब उन्होंने अपनी वीकनेस को एक्सपोज कर दिया। पता नहीं उनके एडवाइजर्स किस टाइप के हैं। नहीं, कभी कभार डॉग्मा भी आपको खा जाता है ना, कि आप समझते हैं कि यार ये चीज चलेगी, या आप लोगों को समझते हैं यार इस चीज से मैनिपुलेट हो जाएंगे लोग, कि आपकी ज़हनियत उनकी ज़हनियत, मगर वो तभी होता है जब आप एक बबल में रह रहे होते हैं, जब आपके इतना डिस्कनेक्ट हो जाता है फ्रॉम द रियलिटी, क्योंकि ज्यादातर यानी हाफ ऑफ द कंट्री इज बिलो द एज ऑफ 35 जी जी पाकिस्तान के अंदर, तो नए ख्याल, तो हमने जो पहले कहा था इसका जो चेंज है, ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल चीज है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। दो चीजें मैं थोड़ा सा कमेंट करूंगा। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें वो कह रहे हैं कि 60% लोग पाकिस्तान के जो हैं वो 35 से कम है उम्र में, 50 है या 60, लेकिन आधा तो है मुल्क। अच्छा, और दूसरी चीज सोशल मीडिया और फोन और टिकटॉक, तो इनको ले लें, और फिर अमेरिका में जैसे इमरान खान ने भी खुद बहुत दफ़ा कहा कि मेरी बिगेस्ट वेल्दीएस्ट कम्युनिटी जो मुझे सपोर्ट करती है वो अमेरिका में है, और वो सही कह रहा है, उसमें कोई शक नहीं। मैं तो अपने, मुझे तो 5-year-old कहा गया है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, और पढ़े लिखे लोगों ने, तो उससे मुझे लगता है कि कुछ हिप्नोसिस जो है, जो मैस्मराइजिंग इन्फ्लुएंस है, वो इतना डीप हो गया है। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ कि उसको वापस आने दें और देख लें क्या होता है, लेकिन वो फौज इस वक्त तो ईगो का इशू है, वो आने नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर वो वापस आ भी जाएगा, मिरेकल हो जाता है कभी कभार, तो क्या होगा, वही होगा जो पिछले 10 ईयर में हुआ था, और फिर उसकी जो एन्चांटमेंट है वो कम होगी। तो फौज को थोड़ा सोचना चाहिए था। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ फौज के रूल को, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सिर्फ आप एनालाइज जब करते हैं लोगों का बिहेवियर, तो उससे पता चलता है कि वो कितने काबिल हैं या नहीं है। तो फौज, जैसे आपने कहा, वो इस इम्प्रेशन में थी कि उनका भी मैजिकल होल्ड है, वो खत्म हो गया है, अब उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता जो पहले मिला करता था। वो एक बहुत बड़ा चेंज आया है पाकिस्तानी कल्चर में। और चले, इमरान खान को अगर किसी चीज का क्रेडिट देना है तो इस चीज का क्रेडिट मैं हर हाल में दूंगा उसको। अहमद फारूकी साहब, इट वॉज अ प्लेजर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको हम दोबारा लेके आएंगे अपने शो के ऊपर इंशाल्लाह, इस मौजू पे बात करने के लिए। पाकिस्तान की सिचुएशन तो डेवलप हो रही है, बट इट वॉज अ वंडरफुल डिस्कशन। अपना ख्याल रखिएगा सर। बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को वो खुशहाली नसीब करे जो उसको अभी तक मिली नहीं है। आमीन।
खुदा हाफिज। तो ये थे अहमद फारूकी साहब, एक महानाज इकोनॉमिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ही बहुत किताबें लिखी हुई हैं, हमें ज्वाइन कर रहे थे अपनी इनसाइट्स के साथ कि किस तरीके सिचुएशन को ये डेवलप होते हुए देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। कैसा रहा जी?